में तीन नदियों के संगम किनारे बसा कामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव मंदिर कामठेश्वर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर नागपुर जिले के ग्रामीण भागों के भक्तगण दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में आते हैं। नदी किनारे बसे इस मंदिर में बड़े पैमाने पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये मंदिर नागपुर के राजा भोसले द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर से अनेक कथा कहानियां जुड़ी हैं। बड़ी श्रद्धा भावना से भक्तगण इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है, न केवल कामठी शहर, जूनी कामठी, कनान, गाड़ीघाट, खदान, ऐसे आसपास के करीब 100 गांव के लोग, भाविक लोग यहां पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सूर्य भगवान का जब सूर्योदय होता है तो उसकी सबसे पहली किरण इस शंकर जी के मंदिर के अंदर शंकर जी की पिंडी के ऊपर आती है। भोसले राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जैसे हमारे भाई ने बताया कि यह मंदिर भगवान प्रभु श्री राम जी के द्वारा बसाया गया है। यहाँ से गमन करते समय राम जी यहाँ पे विश्राम किए थे, यहाँ पे स्नान किया था त्रिवेणी तट पर। भोसले राजा ने यहाँ का निर्माण करा के मंदिर का किया और लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी हुई है, किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ रहे लेकिन यहाँ पे लोग साल भर निरंतर, न केवल शिवरात्रि, सावन के महीने में भी यहाँ भरपूर मात्रा में भक्तगण आते हैं और साल भर यहाँ भक्त लोग अपना यहाँ पे आके शीश नवाते हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank Nagpur.